हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है जिसमें लिखा है डिफाइन सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग मैंने आपको बताया था कि सॉर्टिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम एमएस एक्सेल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये सिंपली हमने ये डाटा फीड किया हुआ है, ठीक है। अब हमें करनी है क्या, सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग होती है किसी एक कॉलम के बेसिस पे, ठीक है। जैसे कि नेम है, स्टूडेंट नेम, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के नेम जो हैं वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में आ जाएं, यानी कि ए नाम से पहले आ जाएं, उसके बाद बी वाले, फिर सी डी, इस तरह से। तो हमें करना क्या होता है, जिस भी कॉलम पे हमें अप्लाई करना है उसको पहले करना होता है सेलेक्ट। ये हम हमेशा करते हैं, चाहे वो सॉर्टिंग हो, फिल्टरिंग हो, या कोई भी चीज़ हो, ठीक है। कॉलम सेलेक्ट हो चुका है, कॉलम नेम पे हमने क्लिक किया, तो ठीक है। इसके बाद हमें जाना है सॉर्टिंग पे। तो सॉर्ट एंड फिल्टर का जो ऑप्शन है ये हमें होम टैब पर ही मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। कई बार ये डाटा टैब में भी मिल जाता है। ये डाटा टैब में जब हम जाएंगे तो यहाँ सॉर्ट और फिल्टर ये ऑप्शन है, और ये हमारे होम टैब पर भी अवेलेबल है, ओके। तो चलिए हम डाटा टैब से करके देखते हैं। सॉर्टिंग दो तरह की होती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग में आप ए टू जेड जाएंगे और डिसेंडिंग में जेड टू ए, ठीक है। तो हम अगर असेंडिंग पे करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ए नाम के पहले आएगा, उसके बाद के एम एन आर एस जेड, ये असेंडिंग ऑर्डर में सेव हो गया है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग बाकी सारी चीज़ें भी चेंज हुई थी, देख सकते हैं आप। जब हम एक कॉलम को चेंज करेंगे तो उसका जो डेटा है बाकी सब ऊपर नीचे होगा, ठीक है। ये जेड टू ए है। तो इसकी डेफिनेशन हमें क्या लिखनी है, आंसर क्या लिखना है। आंसर है सॉर्टिंग इज अ मेथड यूज्ड टू अरेंज द डाटा आइदर इन असेंडिंग आइदर ई आई टी एच ई आर, ठीक है। यहाँ माउस के पास देख सकते हैं आप, आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सॉर्टिंग इज अ मेथड यूज्ड टू अरेंज डाटा इन आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, शॉर्ट आंसर था तो इतना ही है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फिल्टरिंग डाटा। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि फ़िल्टर कैसे लगते हैं। सपोज हमें उन स्टूडेंट्स के नाम निकालने हैं जो सिर्फ महोबा से आते हैं, ठीक है। तो हमें सिटी कॉलम को सिलेक्ट करना है, उसके बाद हम फिल्टर पर क्लिक करेंगे। और जब हम फिल्टर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा आइकन आ जाता है, ठीक है। तो उस आइकन पे हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर का ऑप्शन होता है, यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर हम इन वैल्यूज में से जो हमें चाहिए उस पे हम टिक कर सकते हैं। जैसे हमें सिर्फ महुआ चाहिए, महुआ पे हमने टिक किया, ओके करेंगे तो महुआ वाले बस बचेंगे तीन लोग, बाकी डाटा हाइड हो गया है, डिलीट नहीं हुआ, हाइड हुआ है, ठीक है। और फिल्टर हटाना है तो क्लियर का यहाँ पे ऑप्शन भी होता है, ठीक है। अब दूसरा चीज हमने यहाँ से देखा, टेक्स्ट फिल्टर से कंटेंट्स पे जाएंगे, यानी कि किस सेल में क्या लिखा है, कंटेंट्स महोबा या कुल पहाड़, ठीक है, ओके। कुल पहाड़ के स्टूडेंट बचे। अब देखिए, जैसे हम चाहते हैं कि कुल पहाड़ और महोबा दोनों बचे रहें, बाकी सारे हाइड हो जाएं, तो यहाँ से हम टिक हटा देंगे, कुल पहाड़ और महुआ पर हम टिक लगा देंगे, ठीक है। तो इससे भी हो जाएगा, या फिर दूसरा मेथड ये है इसका कि हम टेक्स्ट फिल्टर्स पे जाएंगे,
कंटेंट्स पे जाएंगे, यहाँ इस वाले बॉक्स में लिख देंगे महोबा। ओके, यहाँ लिख देंगे गुलपहाड़, सॉरी इसमें कोई मिस्टेक हो रही है, तो चलिए इसको हम यहीं से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक मेथड नहीं आ रहा है तो दूसरा तो है हमारे पास, कुल पहाड़ महोबा को सिलेक्ट किया, ओके कर दिया, ठीक है। तो ये इतना डाटा बच जाता है, तो आपको समझ में आया गया फिल्टर क्या होता है। चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। क्वेश्चन में क्या गया था, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फिल्टरिंग डाटा, फिल्टरिंग डाटा का यूज़ क्या होता है। तो चलिए देखते हैं इसका यूज़ क्या होता है। ओके देखिए, तो इसका आंसर आपको लिखना है एक मिनट, तो इसका आंसर है फिल्टरिंग डाटा सोज, SHOWS आप पहली लाइन से लिखेंगे, फिल्टरिंग डाटा सोज द डाटा यू विश टू सी, यानी कि जो डाटा आप देखना चाहते हैं वो, ठीक है, द डाटा यू विश टू सी वाइल टेम्परली हाइडिंग द रेस्ट। इसका मतलब है कि जो डाटा आप देखना चाहते हैं वो स्क्रीन पे दिखाता है, फिल्टरिंग सोज द डाटा यू वांट टू सी, यू विश टू सी, जबकि टेम्परेरी हाइडिंग द रेस्ट, यानी कि जो बाकी डाटा है वो हाइड हो जाता है, ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। आप लैंग्वेज अपने हिसाब से लिख सकते हैं, अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स लग रही है तो जिसको भी ये कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज लगेगी वो मुझे बता देना, मैं सिंपल लैंग्वेज में भी लिखवा दूंगा बाद में, ठीक है। और जिसको सही लग रही है तो एक ही लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हाइडिंग द रेस्ट, ओके फुल स्टॉप। इसके बाद आप लिख सकते हैं बाय डिफाइनिंग डिफरेंट फिल्टर्स यू कैन कंपेयर डाटा इन मल्टीपल वेज, वेज तक आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है, इसके आगे का पार्ट कल करेंगे। थैंक यू।